ऐसा बता दूं मैं, 1968 में, 1968 में मैंने लॉ किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उसी साल मैंने वकालत शुरू कर दी और रेगुलर वकालत में रहा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही वकालत किया मैंने, हाई कोर्ट में मैंने कोई वकालत नहीं किया। रेवेन्यू बोर्ड और ये वो तो जाना एक अलग बात है, लेकिन सब कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही रहा था। और बस 51-52 साल होने जा रहे हैं वकालत के, बस इसी तरह से चल रहा है ये। तो खैर ये है, एक ये अपॉर्चुनिटी मिली। मैं ये थोड़ा सा और मैं बता दूं कि मैं डिग्री कॉलेज, यहाँ लॉ कॉलेज था, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज था, तो उसमें 3 साल मैं उसमें लेक्चरर भी रहा, पार्ट टाइम लेक्चरर भी रहा, सरकारी वकील भी रहा 5 साल, बस हो गया यही है। इसलिए मुझे किसी एक विषय पे बात करना, ये करना मुझे अच्छा लगता है, अपनी अपनी बात आप लोगों के सामने कह रहा हूँ। एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे इस बात का दंभ नहीं है कि मुझे आपसे ज्यादा बेहतर जानकारी है, ऐसा मुझे दंभ। सब लोग यहाँ लॉ ग्रेजुएट हैं, हो सकता है किसी ने पीजी भी किया हो इसमें, सबको कायदे कानून की पूरी जानकारी है, क्योंकि कायदा कानून जो कुछ लिखा हुआ है इस संबंध में, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो केस लॉज हैं, उन्हीं के आधार पर मुझे भी जानकारी है, आपको भी जानकारी है। तो इसलिए ऐसा मानना, मैं नहीं मानता कि नहीं मैं बड़ा बड़ा होशियार हूं, इसके कारण आपको मैं ये भाषण दे रहा हूं, आपको कोई क्लास ले रहा हूं, ऐसा 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 नहीं। यहां तो हम लोग सब लोग मिलकर के पढ़ेंगे।